कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका लंबे समय से चर्चा में है। कभी फिल्म की कास्ट को लेकर तो कभी फिल्म की शूटिंग अवधि को लेकर फिल्म खबरों में बनी रही। और अब फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की माने तो इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही रिकॉर्ड बना दिया है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी फिल्म बन गई है। इस फिल्म के साथ ही कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार और वरुण धवन जैसे सभी स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की माने तो इस फिल्म के राइट्स अब तक के सबसे महंगे राइट्स है। फिल्म के राइट्स 135 करोड़ रुपए में नेटफ्लिक्स को बेचे गए हैं। इसके साथ ही ये फिल्म सबसे महंगी बिकने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स के बीच रेस थी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने सबको पछाड़ कर 135 करोड़ रुपए में राइट्स खरीद लिए। इस फिल्म ने अक्षय कुमार की लक्ष्मी और वरुण धवन की कूली नंबर वन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका कोरियन ड्रामा द टेरर लाइफ का रीमेक है। इस फिल्म का निर्देशन राम माधवानी ने किया है और कमाल की बात यह है कि कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की पूरी शूटिंग महज 10 दिनों में पूरी कर दी थी। इसके अलावा कार्तिक आर्यन की फिल्म दोस्ताना 2 और भूल भुलैया 2 भी आने वाली है।